नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। सीसीएल अप्रेंटिस संघ के द्वारा साप्ताहिक धरना प्रदर्शन राजभवन के समीप किया जा रहा है। यह अप्रेंटिस प्रशिक्षु ने पिछले दिनों से साप्ताहिक धरने पर बैठे हैं। उन लोगों का मांग है कि हम लोगों को स्थायीकरण किया जाए। सीसीएल में इन्होंने पिछले एक साल से काम कर रहे हैं, वहाँ प्रशिक्षण पाए हैं। वहाँ की कार्यशैली दूसरे विभाग में, दूसरे डिपार्टमेंट में, चाहे वो रेलवे हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उसमें नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीसीएल में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका उपयोग सिर्फ सीसीएल में ही किया जा सकता है। आइए सुनते हैं अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का क्या मांग है उन्हीं के जुबानी। हम लोग अप्रेंटिस किए थे सीसीएल में, एक साल 18-19 में सीसीएल में इधर अप्रेंटिस निकाली थी और उसमें 750 लड़का का हुआ था सिलेक्शन। उनका बेच कंप्लीट हो गया, फिर अप्रेंटिस हो रही है। उनके रोजगार के बारे में सीसीएल कोई विचार नहीं कर रही है। और जब एक साल हम लोग अप्रेंटिस खत्म हो गया तो सीसीएल बोल रहे कि हम सिर्फ सर्टिफिकेट ही दे सकते, इसके सिवा हमारे पास कोई रोजगार का मेरे पास प्रबंधन नहीं है। जबकि सीसीएल में बहुत सारे पद, कम से कम हज़ारों पद खाली है। और टेक्नीशियन के तो बहुत सारे रिटायर हो गए, रिटायर कर्मी को उन लोग बुला रहे हैं, और जबकि यहाँ पर एक साल का जो ट्रेनिंग करवा ली है उनको रोजगार के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। तो हमारा आज दूसरा दिन था धरना प्रदर्शन का, एक सप्ताह चलेगा। फिर हम लोग कल जोरदार प्रदर्शन करेंगे और तीसरा दिन नंग प्रदर्शन करेंगे। हम जब तक लिए हमारा मांग पूरा नहीं हो जाएगा, ये सातों दिन हम धरना प्रदर्शन करके जोरदार प्रदर्शन दर्ज करवाना चाहते हैं, ताकि सीएमडी सीसीएल मुख्यालय तक हमारी आवाज़ जाए और प्रबंधन होश में आए और हमारी बातों को अमल करें। किससे आप कि नहीं प्रबंधन से या किसी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला, किस तरह का आश्वासन तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हम इससे पहले भी वार्ता हुई थी, आश्वासन के सिवा कुछ मिला भी नहीं था। तो आप जो भी हम चाहेंगे वो लिखित ही चाहेंगे, इसलिए हम आया था कल, इनको भेजे थे, लेकिन हमने उसको नकार दिया, क्योंकि उस सिर्फ ले जाकर ऐसे एक या दूसरे से बात करवाना चाहेंगे, उस तरह का वार्ता हम नहीं चाहते। डायरेक्ट सीएमडी हमसे बात करेंगे तो ही हम रेडी है, नहीं तो नहीं। कितने जिले के हैं और कितने आप लोग हैं प्रत्याशी? सभी प्रशिक्षण पूरी झारखंड में है और 12 एरिया में हम लोग का भाई लोग एक साथ प्रोजेक्ट में 19-20 से अप्रेंटिस कंप्लीट करवाए। अभी कितने हैं आप लोग? 750 और फिर दूसरा बेच 750 है, अब फिर और एक बेच बन गया है 1545 का। उनका अभी जॉइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो बनकर रेडी है। ये सब सारा चीज़ अगर वो नहीं नौकरी देना चाह रहे हैं तो फिर वो करवा क्यों रही है? करवाना के लिए आप अगर करवाते रहिएगा तो उसको तो 6,000 में वर्कर मिल जा रहा है ना, तो ये सब अब नहीं चलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। राजकिशोर सिंह, सीसीएल अप्रेंटिस की राज्य को ज्वाइनिंग करवाया गया था क्या बोल करके? सर उसमें तो एक साल का अप्रेंटिस का ये दिया गया था सर एडवर्टाइजमेंट में, और ये एडवर्टाइजमेंट एक्ट में लिखा हुआ रहता है, एक एक्ट है 1961 एक्ट, इसके थ्रू अप्रेंटिस मतलब हम लोगों को करवाया गया था। तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप अप्रेंटिस के ट्रेनिंग कीजिए और ये जिस संस्थान से कर रहे हैं वही संस्थान आपको भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराएगी, समझे ना। और उसी पर हम लोग अप्रेंटिस किए हैं, तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो किए हैं तो ट्रेनर में एक्ट का उल्लंघन तो यही लोग खुद किए हैं। हम लोग को एक भी ट्रेनर नियुक्त नहीं किए बिना ट्रेनिंग के, बिना कोई मतलब बिना ट्रेनर के। हम लोगों को माइंस में ढकेल दिया गया, वो भी अंडरग्राउंड में, नाइट शिफ्ट करवाया गया सर, 12-12 घंटे हम लोगों के साथ काम करवाया गया सर, वर्कर की तरह। और अभी कहते हैं कि आप मेरी जिम्मेवारी ख़त्म है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लीजिए, मेरी जिम्मेवारी ख़त्म है। तो हम लोगों ने वर्कर की तरह काम किया है 12-12 घंटे, तो वर्कर की तरह ही सम्मान चाहते हैं सर। हम लोगों को नौकरी चाहिए, स्थायीकरण चाहिए सर, यही बस हम लोगों का सभी का डिमांड, इसीलिए धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं और किसी भी शर्त पर। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, झारखंड अप्रेंटिस संघ के सचिव हूँ।